जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। और यही कारण है कि देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक, और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, यानी बेरोजगारी की जो दर है, वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है। और यहाँ पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, आज वह लगभग 4 और 5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी, वो एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दिसंबर 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इस योजना के अंतर्गत अब तक 68,400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें लगभग 100 करोड़ के टोल किट भी उपलब्ध कराए गए, उन्नत किस्म के टोल किट उपलब्ध कराए गए। मैंने देखा, मैं एक गांव में गया था, मैंने वहां पर देखा, लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग पहले बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बेचते थे, परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, लगभग 200 लोगों का वह पूरा एक खानदान ही इस व्यवसाय के साथ जुड़ा था। लेकिन जब हमारी ये स्कीम आई, माटी कला बोर्ड बना, मैनुअल चाक की बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराया गया, आज वही परिवार 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा कमा रहा है और 200 लोगों का परिवार इसी लखनऊ के अंदर खुशहाल है। मैं यहां पर देख रहा था, तमाम बहनें आई थी अपने पैरों पर खड़ा होते हुए। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ेंगे, और सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ते हुए उनके द्वारा तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देख रहा था मैं, 50,000 रुपए का बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं, कोई बड़ौदा, कोई स्टेट बैंक, कोई इंडियन बैंक, कोई अन्य बैंकों के द्वारा उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। पैसे में सरकार की कुछ सब्सिडी लगेगी, वह नियमित रूप से अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश को अगर सभी बहनें एक बार स्थान लेंगी, उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। और मैं चाहूंगा इसके लिए सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विभाग को अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी। आज प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को ये टूल किट वितरित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइए। प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही है, बैंक का काम है तो बैंक के पास आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? एयू बैंक की 0101 ऐप, सिर्फ एक वीडियो कॉल और बैंक के सारे काम डन। ये क्या है? सॉरी, एयू बैंक, बदलाव हमसे। कुकू, नो ड्राइंग्स ऑन द वॉल।
ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सीधा मुख्यमंत्री योगी को देखते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को एक नई योजना के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 11,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को आज यहां पर 171 करोड़ रुपए का बैंक का लोन भी उपलब्ध हो रहा है। ये लोन जिसमें सरकार भी अपनी सब्सिडी देगी और उसके साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और सचमुच जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें परंपरागत उद्यम को और जो हमारी परंपरागत कौशल है उसको एक मंच देना ही होगा। आपको याद होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया। हम अपने परंपरागत उद्यम के लिए, परंपरागत हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको एक मंच दें, उसका प्रशिक्षण करें, उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, उसके लिए मार्केट उपलब्ध करवाएं। आज मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, आयोजन के पहले मैंने कहा भी वहां दीपक जलने हैं, कहां से इतने दिया आएंगे। पूरे प्रदेश में हमने खाक छानी, तब 51,000 मिल पाए थे और आज इस बार हम लोग 7.5 लाख दिया वहां जलाने जा रहे हैं। उस सभी अयोध्या में बन रहे हैं, वहां का प्रजापति और कुमार वहां का उस बना रहा है क्योंकि उसको तकनीक के भी साथ जोड़ा गया है। मुफ्त में उसको मिट्टी मिल रही है और वह सस्ते में हमें ये सब चीजें उपलब्ध करा रहा है। हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि चीन जैसा नास्तिक देश दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमें उपलब्ध कराता था और मूर्ति भी जनक किसी न उसकी शकल न सूरत, हाँ कहीं चेहरा है कहीं हाथ है, लेकिन मजबूरी होती थी, लोग अपने घरों में रखते थे क्योंकि बनाना छोड़ दिया था उसने स्वयं भी, हमारे कारीगरों ने छोड़ दिया था। लेकिन आज जब इन्हें तकनीक दी गई तो पिछले साल भी और इस साल भी हमारा कारीगर मूर्ति स्वयं बना रहा है और उससे बेहतरीन बना रहा है, उससे अच्छा बना रहा है और सस्ता भी बना रहा है, टिकाऊ भी बना रहा है। आज मिट्टी के बर्तन देखिए ना आप, कारीगरी देखे ना, हमारे बढ़ई के द्वारा जो कारीगरी होती है कितनी बेहतरीन है, दिल खुश होता है। गुस्सा उसका वो हर समय मौजूद भी है आपके पास, लेकिन हमने उसको महत्व देने का प्रयास नहीं किया। गांव के नावों को बेचारा किसी चौराहे पर ही बाल बनवाता था, कोई पैसा देता था कोई नहीं देता था, लेकिन अब जब उसको बैंक से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और बैंक उसको लोन देगा, वह अपना एक सैलून बनाएगा, गांव का व्यक्ति वहां जाएगा कुर्सी में बैठेगा तो पैसा भी जरूर देगा। सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में बिना किसी गारंटी के लोन, तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे, हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली, यही तो
स्वतंत्र भारत का देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहाँ से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1,00,000 लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक, यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21,000 से 22,000 लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो लगभग 1,00,000 लोग अब तक परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूँगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000 नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सकें, इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है और जब अपना भोजन बनाता है, किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हमने कहा हम देंगे, गांव का मोची, गांव का नाव, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए, क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम, और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है या फिर बढ़ाई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नए तकनीक के साथ जोड़ लें, उसके पास परंपरागत उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है, उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपये मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपये प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहें, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है, हाथ फैला करके नहीं करता है, इसलिए उसकी स्किल को सम्मान देते हुए उसको इस प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी सरकार देने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1,00,000 लोगों को इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं, अगले 3 महीनों के लिए 75,000 अन्य लोगों को इसके प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की कार्रवाई, अलग अलग विधा के साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 16-17 ऐसे अलग अलग प्रकार के कारीगरी और हस्तशिल्पियों को, अलग अलग कैटेगरी के, उन सब को हम इसके साथ जोड़ें, उनके लिए बनाएं। मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी और चौधरी उदयभान सिंह जी से भी कहूंगा, हमें गांव में जाकर कुछ ऐसे लोगों के उसमें जाना चाहिए, वहां जाकर के हम देखें उनका,
किसी नाव ने अपना जो पहले चौराहे पर बनाता था अब उसने अपना सैलून की दुकान खोली है, हम उसकी दुकान में जाकर उसको मान्यता दे। कोई बहन पहले घर में सिलाई का काम करती थी, अब उसने अपना एक कई लोगों का एक समूह बना करके अब वह कार्य प्रारंभ की है, हम वहां जाकर के इसको प्रोत्साहित करें। कोई मोची पहले किसी चौराहे पर सड़क के किनारे बैठ करके अपना कार्य करता था, पैसा भी नहीं मिल पाता था, सम्मान भी नहीं मिल पाता था, आज उसके लिए हम लोगों ने एक शोरूम बना दिया, वहां पर बैठ करके अपना कार्य भी कर रहा, अपने साथ अन्य कारीगरों को भी रख रहा है, सम्मान जन ढंग से आगे बढ़ रहा है, हम वहां जाकर के उसको भी सम्मान दें। ऐसे राजमिस्त्री का है, ऐसे ही बढ़ई का है, हलवाई का है, हर एक स्तर के व्यक्ति का है, हमें उसको सम्मान देना होगा क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को सम्मान देने के लिए आज कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 20 दिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के और जन सेवा के 20 वर्ष सफलतापूर्वक 20 वर्ष जिन्होंने देश और समाज को एक नई दिशा दी है, इसके लिए विकास उत्सव के रूप में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। विकास उत्सव का यह कार्यक्रम हर तबके के लोगों के जीवन के लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। प्रभु श्री राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि लंबे समय तक उनका नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो, दुनिया उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करे और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनके साथ हम आगे बढ़कर के कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।